आपने बीजे डाल दिए मिला के, वो उसमें आ जाएगा जैसे आपने वो बोला छोटा छोटा सा वैसा। ये जो दूसरा जो अभी हमने आपको दिखाया, ये क्या करते हैं, गाय का भूसा रहता है इसमें थोड़ा बहुत केमिकल वगैरह मिला के उसमें बीज मिला देते हैं, वो पन्नी में बांध के उसको टांग देते हैं, एक महीने में प्रिपेयर हो जाता है, एक महीने में ये ऐसे छत्ते नुमा बाहर आ जाता है। तो ये ताजा ही आप मान लो कि 200 से 250 रुपए किलो ताजा, लेकिन ये घर में बनता है, ये हाँ ये रोड पे नहीं बनेगा। मतलब आपको ये जैसे ये आपका शेड है, इसको आप चारों तरफ से मोड़ दो, मतलब चारों तरफ से इसको थोड़ा सा पन्नी हल्दी लगा दो, तो वो उस रूम में बनाना, उसमें बनता है। तो ये अगर ताजा गया तो 250 रुपए किलो। नहीं हमारा तो यो मतलब है कि हम तो है नहीं घर में जेठ में रहने उछेरना एक गोड़ उठी, हम तो पैदावार देखने का बाद में है नहीं एक आसपास ईट की दीवार करी नहीं घर बने ला। मतलब खेती हमारा कही है कि हमारा यहाँ जो भी सूट हुई वो खेती तो हम करा ही करते, जैसे हम कद्दू की खेती करते, मान लो 250 एक बीघा भर में से 250 कुंटल निकल। मतलब हमको क्या है कि किसान आदमी को कि एक बीघा में एक एकड़ में कम से कम 2 लाख रुपये से ऊपर की खेती ना हुई तो वो किसान को मजा नहीं। मान लो अपने घर में 2 एकड़ जमीन या 1 एकड़ जमीन, अब इसके बाद में सदस्य घर में 10, तो 1000 रुपये रोज का तो खर्चा है, तो 3.5 लाख रुपये साल भर का खर्चा, तो उसमें से उसको कैसे करना है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आए जैसे प्याज, ये मतलब 1 बीघा भर में मतलब 1 एकड़ में 250 कुंटल निकले, मान लो 250 कुंटल निकले तो मान लो 10 रुपये किलो बिके तो 2.5 लाख के होते हैं, इसके अलावा दूसरी भी खेती होती है, जब तक पानी रहे जब तक तो कोई ये समस्या ही नहीं है। और बाकी कोई चीज़ ऐसी ठोस कमी करना चाहिए कि जिससे पैदावार ही अलग हमें साथ आ रहा है। अभी लाइट कैसा रह रहा है लाइट आई तो सही है, अभी दिया है तो 10 घंटा लाइन तो सही है।